हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको चाइनीज़ मिक्स वेज पुलाव बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ, हम आसान तरीके से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 चम्मच रिफाइंड का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल या घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम 2 छोटे चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। इसको चलाइए थोड़ा सा। इसमें हम 1 कटोरी सोयाबीन डालेंगे जो मैंने पानी भिगो के रखी थी। इसे मिलाइए अच्छे से। सोयाबीन को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप ये देखिए, इस पर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी मटर डालेंगे। इसमें 1 कटोरी गाजर डालेंगे। इसे मिलाइए अच्छे से। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का, बहुत जल्दी बन जाता है ये। इसमें हम बीन्स डालेंगे, बीन्स फली जो होती है हमारी, और शिमला मिर्च डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई। बीन्स मैंने थोड़ी ली है, आप चाहे तो गोभी भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इसे अच्छे से मिलाइए। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसको ही मिलाएंगे अच्छे से। काफ़ी स्वादिष्ट रेसिपी है ये। इसमें हम 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे जिसे चिल्ली फ्लेक्स भी कहते हैं। इसे मिलाएंगे अच्छे से। इसमें हम हरी मिर्चों का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच हरी चटनी डालेंगे जो चाउमीन में डलती है। 1 चम्मच इसके अंदर हम मोमोज वाली चटनी डालेंगे। 1 चम्मच विनेगर। 1.5 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है। जितना अच्छे से आप मिलाएंगे उतना अच्छे से इसमें हम चावल डालेंगे। लगभग 150 ग्राम चावल है ये। आप चाहे तो इसमें बासी चावल का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाएंगे चावलों को। जितने अच्छे चावल आप मिलाएंगे इसके अंदर स्वाद उतना अच्छा आएगा इस पुलाव का, उतना अच्छा पुलाव बनता है ये। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इसको आप अच्छे से मिला दीजिए। चावल हमारे पके हुए हैं, आप चाहे तो बासी चावल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये पुलाव देखने में ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें इसको। मीडियम आँच पर आप इसको मिलाइए क्योंकि सब्जी हमने पहले पका ली है। चावल हमारे पके हुए थे, हमने इसे अच्छे से मिलाया है। ये चावल हमारे मिल चुके हैं अच्छे से। अब हमने गैस बंद कर दिया है, इसको दम करने रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये दम मैंने कर लिया है 5 मिनट। आप ये देखिए, चावल एकदम रेडी है, पुलाव हमारे तैयार हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।